गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ फोर्थ क्लास. इन द प्रीवियस क्लास 10 क्वेश्चन वॉज कम्प्लीटेड ऑन योर वर्क बुक पेज नंबर 84 ऑफ चैप्टर 6 द जंग सेलर. नाउ वी आर गोइंग टू द डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11. इन द क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 सेम लाइक दैट, बट इन द क्वेश्चन नंबर 11 देयर हैव 3-digit नंबर. सो स्टूडेंट जस्ट इतना ही डिफरेंस है कि 3-digit नंबर इधर दिया हुआ है, 3-digit नंबर के साथ 1-digit नंबर मल्टीप्लाई कैसे करोगे. ये मेथड जो दिया हुआ है आपको तो पता ही है कि कैसे करना है ये मल्टीप्लीकेशन. ओके, नेक्स्ट आपको जो करना है तो वो कैसे करना है. देखो ये एग्जांपल मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ. जैसे 163 × 8 ये 3-digit नंबर है 1-digit नंबर के साथ मल्टीप्लाई. तो 163 को आप कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 60 प्लस 3. ओके, और 8 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर ये लिख दो 100 प्लस 60 प्लस 3 और 8 से सभी को मल्टीप्लाई करके लिख दो इधर. और उसके बाद में जो रिजल्ट आया आपको क्या करना है, इधर एडिशन करना है. और उसके बाद में 10 कंक्लूशन भी लिखना है. 10 दिस इज दिस, इधर लिखा हुआ नहीं है कि, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा 10 163 × 8 इज इक्वल्स टू 1304. ये इतना तक आपको लिखना है. सो स्टूडेंट ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया. एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन. ओके, एंड अंडरस्टूड यू द क्वेश्चंस. वंस विल बी सॉल्व बाय माई सेल्फ एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली एंड वॉच ओवर द वीडियोज प्रॉपरली. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. देखो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 235. सो 235 को हम कैसे लिख सकते हैं, 200 डायरेक्ट कर दो, 200 प्लस 30 प्लस 5. ओके, अगर एक लाइन में आपको समझ में नहीं आया तो इसको 235 को कैसे लिख सकते हो, 230 प्लस 5. सेकेंड लाइन में 200 प्लस 30 प्लस 5 ऐसे लिख सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली कर दिया क्योंकि 200 प्लस 3 मतलब प्लेस वैल्यू लिख देना इसका. ओके, प्लेस वैल्यू तो हो चुका है, इसका प्लेस वैल्यू लिख देना, सारे नंबर्स की प्लेस वैल्यू बस. उसके बाद में एक आपको बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा, उसमें क्या लाइन होगा, 3 बॉक्स होगा जिसमें ये लिख दो, उसके ऊपर 200 और 30 प्लस इधर 5 लिख दो. और कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई है, 9 से, तो इधर 9 लिखो. उसके बाद में मल्टीप्लाई करो, 9 × 2 = 18 होता है, 18 लिख दो. और 20 बचे तो 20 लिख दो. 9 × 3 = क्या होता है, 27 होता है. और 10 बचे तो 0 लिखो. 9 × 5 = क्या होता है, 45 होता है, तो लिख दो. उसके बाद में क्या करना है, हैंस ये 3 नंबर को एडिशन करो, 1800 270 और 45 एडिशन, 5 + 0 = 5, 5 + 7 = 11, 11 + 0 = 11, 11 + 1 = 1, 8 + 2 = 10 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, तो 2015. क्या लिखना है, ये लाइन पहले लिखो, 235 × 9 = 2115. सो स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स अबाउट दिस क्वेश्चंस. ओके, एंड नेक्स्ट और एक मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ. जैसे ये पहले नंबर लिख लो 346, तो 346 को आप कैसे लिखोगे, 300 इसका प्लेस वैल्यू लिखो, 300 प्लस 40 मतलब 40 प्लस 6 सिंगल लास्ट वाला डिजिट सिंगल, एंड देन ड्रॉ ए बॉक्स विच हैव 3 बॉक्सेस. एंड देन ये जो 30 है इसके ऊपर लिखो 300 और 40 और 6, और ये जो 7 है 7 को आपको इधर लिखना पड़ेगा. नंबर के सम नंबर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके ये 0 एक्स्ट्रा जो है लगा देना. 7 × 3 = क्या होता है, 21 और 2 एक्स्ट्रा 0 है तो 0 लिख दो. 4 × 7 = क्या होता है, 28 होता है. और 10 एक्स्ट्रा है तो 0. 7 × 6 = क्या होता है, 42. अभी क्या करना है, बहुत ही इजी है स्टूडेंट. 10 ये 3 नंबर का क्या करना है, एडिशन करना है. सो एडिशन करो, 2100
और 2880 और 42, ये सारे नंबर का एडिशन करो, 2+0+0 2 ही होता है, 4+8 12+0 12 का 2 होगा, कैरी 1 हो जाएगा, 2+1 3 होता है, प्लस कैरी 1 4 हो जाता है और 2 का 2 हो जाता है। सो स्टूडेंट, 346 × 7 = 2422। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट आंसर आपको ऐसे ही करना है बुक में, और देन ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज होमवर्क फॉर यू, एंड दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू, एंड दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू, ऑल्सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, दिस इज 7, 8, 9 ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। सो स्टूडेंट, डन प्रॉपरली इन द वर्क बुक और कॉपी एंड राइटिंग इन गुड हैंड राइटिंग, इट इज मोर इफेक्टिव थिंग्स। जो आपको राइटिंग अच्छा होना चाहिए आपकी, और सारे डिजिट अच्छा से लिखना, सीधा लिखना बिल्कुल, ओके, और सारे के सारे सॉल्व करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।